यूपी की राजधानी लखनऊ की कचहरी में उस वक्त भगदड़ मच गई जब वहां बम धमाका हो गया। वजीरगंज कोर्ट में कुछ वकीलों पर हमला किया गया। इस धमाके में कई वकील घायल हो गए। इस हमले में निशाना बनाए गए थे बार एसोसिएशन के पदाधिकारी संजीव लोधी। बताया जा रहा है कि लोधी को लक्ष्य करके 3 बम फेंके गए थे, जिसमें से एक ही फटा और 2 बम बिना फटे ही रह गए। अगर ये बम फट जाते तो गंभीर हादसा हो सकता था। जिसमें से 3 बम फटे हैं, यहाँ पे 3 फटे हैं और करीब 8 से 10 बम यहाँ पे फेंके गए। मिल रही जानकारी के मुताबिक वकील संजय लोधी अपने चैम्बर में बैठे हुए थे। तकरीबन 12:15 बजे के करीब एक युवक ने उन पर बम से हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में वकील संजय लोधी बाल बाल बच गए, लेकिन बम चलाने वाला मौके से फरार हो गया। वहीं वकील संजय लोधी ने कोर्ट परिसर में हुई इस घटना पर सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि इस हमले में कुछ लोग घायल हुए हैं, उनके हाथ में भी छर्रा लगा है। साथ ही हमले के बाद आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की भी मांग की है। इस हमले के बाद ये सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर इतनी सुरक्षा के बाद कोई कैसे बम और असला लेकर अंदर आ सकता है। इस बीच एक चश्मदीद ने ये भी दावा किया कि 8 से 10 बम फेंके गए और हमलावरों के हाथ में पिस्टल भी थी। संजीव लोधी के जूनियर साथी श्याम सुंदर लोधी, जिन्होंने बताया कि एजाज अहमद और आजम खान के साथ 3-4 लोग आए और उन्होंने बम से हमला शुरू कर दिया। करीब हम लोग 11 बजे कोर्ट आए हैं और मैं मौके पे मौजूद था। यहाँ एक संजीव लोधी के दरवाजे पे खड़ा था, चैम्बर के सामने, और मैं उनका जूनियर हूँ। उतने में एजाज अहमद, आजम खान और 3-4 अज्ञात लोग इधर से आए गेट नंबर 3 की तरफ से, और करीब 5-6 लोग इधर से आते हैं 4 नंबर गेट से। इधर से अचानक बम फेंकना शुरू कर देते हैं, सुतली बम था क्या था, और इधर से 4 नंबर गेट की तरफ से भी आते हैं कुछ लोग, जिसमें से 3 बम फटे हैं यहाँ पे, 3 फटे हैं और करीब 8 से 10 बम यहाँ पे फेंके गए, और जिससे जो है हमारे संजीव लोधी जी के सर पे चोट आई जिससे फेंका गया बम, और प्रमोद लोधी जिनके पैर के पास बम लगा, और 4-5 लोग मुझे पकड़ा जो कि पिस्टल लिए हुए थे, और करीब 3-4 लोग थे। करीब अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन 8 से 10 लोग थे, 2 लोग वकील हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भी एक कोर्ट में इसी तरह की गोलाबारी की घटना हुई थी। यानी कि ये सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश सरकार पर एक सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर इतनी सुरक्षा के बावजूद ऐसी घटना हो कैसे जाती है। इस वीडियो पर आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।